तो हमास और इसराइल की जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही इस जंग में इसराइल के एक और बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई। ऐसे दुश्मन की एंट्री हुई जिसने छोटे रॉकेट नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मिसाइलें इसराइल की तरफ छोड़ दी। हूथी भी एक चरमपंथी संगठन है जो इसराइल को घेरने के लिए बस मौके की ताक में था, और इसलिए पिछले दो हफ्तों से हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहे इसराइल की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि जंग के मैदान में इसराइल के खिलाफ ट्रिपल एच ने मोर्चा संभाल लिया। इसमें पहले एच का मतलब हमास, दूसरे का हिजबुल्ला और तीसरे एच का मतलब हूथी है। और ये तीनों चरमपंथी संगठन फिलिस्तीन के समर्थन में इसराइल के सामने न सिर्फ मजबूती से खड़े हैं बल्कि इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। मतलब इसराइल के सामने ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसराइल पर हमास के लड़ाके पहले से ही कैर बनकर टूट रहे हैं। और ऊपर से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी जंग में कूद चुका है और वो लगातार हमास के साथ मिलकर इसराइल के शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसराइल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने उस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए, और माना जा रहा है कि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ये डर सताने लगा कि अगर ये ट्रिपल एच एक साथ आ गए तो फिर इसराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर इसराइल के वजूद पर ही खतरा मंडरा सकता है, जिससे निपटने में इसराइल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। लेकिन इसराइल के लिए ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्ला और हूथी के पीछे ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है, जो इसराइल का जानी दुश्मन है। हालांकि ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में नहीं उतरा, लेकिन वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी के दम पर इसराइल को चुनौती देने में जुटा है। दावा किया जाता है कि इन तीन चरमपंथी संगठनों को पालने पोसने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। और आरोप है कि ईरान न सिर्फ इन्हें फंड देता है बल्कि अपने घातक हथियारों से इन्हें बेहद ताकतवर बना चुका है, जो किसी भी देश की सेना को चुनौती दे सकते हैं। मतलब ईरान के इशारे पर ट्रिपल एच किसी भी देश पर हमला कर वहां जलजला ला सकते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि इसराइल के खिलाफ ट्रिपल एच को लामबंद करने के पीछे ईरान का ही दिमाग है, क्योंकि ईरान का मकसद इसराइल के वजूद को मिटा देना है। और ये तीनों चरमपंथी संगठन इसराइल को अपना दुश्मन मानने के साथ उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और इसीलिए हमास और हिजबुल्ला के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। यमन से हूथी विद्रोहियों ने लंबी दूरी की तीन मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया, और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने तीन मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ये आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इसराइल पर हमला करने की फिराक में थे। लेकिन उनका हमले का प्लान तब फेल हो गया जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई वो मिसाइलें इसराइल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इसराइल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन इससे ये बात साफ हो गई कि हूथी विद्रोहियों ने भी इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब हमास और हिजबुल्ला के बाद इस जंग में यमन के हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई, जिससे इसराइल की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि यमन का ये चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है जिसने ईरान के बलबूते यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका। आरोप है कि ईरान के उकसावे पर उसके लड़ाके लगातार सऊदी अरब को भी निशाना बनाते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इशारे पर इस शिया चरमपंथी संगठन ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि इसराइल की सीमा से दूर किसी देश से उस पर किया गया ये पहला हमला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी विद्रोहियों का न सिर्फ यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है बल्कि इसके लड़ाके इराक में भी एक्टिव हैं। कुछ रोज पहले ही हूथी विद्रोहियों ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका हमास और इसराइल के बीच छिड़ी जंग में कूदा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि अमेरिका खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन वो लगातार हथियारों से इसराइल की मदद कर रहा है, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इसराइल के लिए सिर्फ हूथी विद्रोही बड़ा सिरदर्द नहीं है बल्कि उसके लिए हूथी से भी बड़ी चुनौती ट्रिपल एच में शामिल लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला है, जो लेबनान से इसराइल के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। हिजबुल्ला लेबनान में बैठकर इसराइल की सीमा को पिछले कई दिनों से दहला रहा है। वो वहां इसराइल की सीमा वाले इलाकों पर रॉकेट और बमों की बारिश कर रहा है। लेबनान की सीमा से किए गए हमले के कुछ वीडियो सामने आए जिनमें हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल की सैन्य चौकियों पर रॉकेट से हमले करते दिखे। वहां से आए एक वीडियो में एक रॉकेट तेजी से इसराइल के सैन्य ठिकानों पर फटता नजर आया।
इसी तरह हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में इजरायल की सेना ने भी लेबनान की सीमा में मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों पर आसमान से ताबड़तोड़ बम गिराए, जिसमें उसके कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। यही नहीं, इसराइल ने हिजबुल्ला के 3 लड़ाकों को भी ढेर करने का दावा किया और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्ला इसराइल पर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए हिजबुल्ला से निपटने के लिए इसराइल ने वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में ट्रिपल एच में शामिल हिजबुल्ला को रोका जा सके। लेकिन हिजबुल्ला को रोकना इसराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस चरमपंथी संगठन के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं। उनमें कई मिसाइलें लंबी दूरी की भी हैं, जो इसराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, जो किसी भी देश पर कहर ढा सकते हैं। असल में हिजबुल्ला एक शिया चरमपंथी संगठन है, जो इसराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में एक्टिव है, और 1982 में ईरान की मदद से ही लेबनान में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मकसद ईरान की इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाने के साथ साथ इसराइल को दुनिया से मिटाना था। आरोप है कि इसीलिए ईरान से हिजबुल्ला को मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड मिलता रहा, जिससे हिजबुल्ला दुनिया का सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन बन गया।